हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में खरीफ में हरे चारे के रूप में अपने पशुओं के लिए कौन सा प्रबंध करें जिससे बरसात के मौसम में बराबर हरा चारा पशुओं को मिलता रहे, जिससे हमारे पशु अधिक से अधिक दूध का उत्पादन कर सकें तथा अच्छा लाभ हमको प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हरे चारे की पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी तथा उत्पादन से दूध का अच्छा उत्पादन लिया जा सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को अंत तक देखिए। खरीफ में ज्वार हरे चारे के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ज्वार की कटाई 1 से 3 बार वाली आती है। गर्मी के मौसम में उगाई गई ज्वार में पानी की कमी के कारण एक विषैला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि बरसात के मौसम में ये समस्या नहीं आती है। ज्वार चारा पशुओं में बहुत ही पौष्टिक होता है। अब इसके लिए हम खेत की तैयारी कैसे करें? इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु दोमट बलुई मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ज्वार की बुआई के लिए खेत को 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए अथवा रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को तैयार कर लेना चाहिए। अब आता है प्रश्न कि इसकी बुवाई कब करना चाहिए। वैसे मानसून की बरसात होते ही इसकी बुवाई कर देना चाहिए। इस बार बरसात भी लेट हो रही है, इसके कारण इसकी बुवाई भी लेट हो गई है। इसमें इसकी किस्में कौन कौन सी आती हैं? तो ज्वार की बहुत सारी किस्में आती हैं, जिसमें कुछ एक बार कटाई वाली आती हैं, कुछ 3 से 4 बार कटाई वाली आती हैं, जैसे SSG 59, FSH 92079, हरियाणवी चरी 136 आदि कई चरी आती हैं, जो हाइब्रिड भी चरी आती हैं, उनकी भी बुवाई की जा सकती है। बात आई बीज की मात्रा कितनी होती है। ज्वार की बीज की मात्रा प्रायः बीज के आकार पर निर्भर करती है। यदि बुवाई सीड ड्रिल से करते हैं तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई में करना चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज की मात्रा यदि सीड ड्रिल से करना तो 18 से 24 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। यदि हम ज्वार की बुवाई छिटकवा विधि से करते हैं तो थोड़ी मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए, तथा हाइब्रिड ज्वार की बुवाई करते हैं तो ये 8 से 10 किलो एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। ज्वार की अच्छी पैदावार के लिए इसमें खाद एवं उर्वरक की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए उर्वरक का प्रयोग भी अच्छा रहता है। इसके लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत बनाते समय डाल देना चाहिए। अब सिंचाई की बात आती है तो वर्षा ऋतु में कोई ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि बरसात ना हो रही तो एकाध सिंचाई कर देना भी आवश्यक होता है, जिससे नुकसान न होने पावे। अब आती है बात ज्वार की कटाई की। कटाई के में विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि भूमि से लगभग 10 सेंटीमीटर छोड़ करके इसकी कटाई करना चाहिए, जिससे इसमें दोबारा अच्छे कल्ले निकल आएँ। यदि ज्वार का उत्पादन बीज के लिए किया जाता है तो इसकी बुवाई भी थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि लेट हो जाता है तो इसमें कीड़े मकोड़े ज़्यादा हानि कर देते हैं। तो इसलिए अगर हमको बीज के लिए उगाना है तो उसकी बिजाई भी जल्दी कर देना चाहिए। इस प्रकार से अपने पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। होप वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिए, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।